संडे का दिन है इस वीक में। एक्चुअली काफ़ी एक महीने पहले से हमारे जयकी सर बोल रहे थे कि यहाँ पर एक आश्रम है, यहाँ पर एक संस्थान है जहाँ पर विकलांग लोग जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो लोग रहते हैं, उनका एक ट्रस्ट है, एनजीओ है। तो ये हुआ था कि वहाँ चलते हैं, कुछ चीज़ें डोनेट करते हैं, हम लोग ऐसे भी नॉर्मली देते रहते हैं। तो एक डेढ़ महीने से अपने को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो इस वीक में हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार हम लोग चलते हैं और करते हैं। तो जयकी सर हमारे लीड किए, उन्होंने सब ऑर्गेनाइज़ किया, कुछ लोगों से भी और जो हमारी टीम में हैं उनसे भी थोड़े पैसे कलेक्ट किए और हम सब लोगों ने ये अपना सामान लेकर आए और ये कुछ डोनेट करने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वो हैं। और वहाँ जयकी सर अपना ज़रूरत का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पेपर वर्क कर रहे हैं। अब वहाँ पेपर वर्क होने के बाद ले चलकर अंदर देखेंगे और उन लोगों से मैं पहली बार मिलूँगा कि कैसे यहाँ रह रहे हैं, क्या है कि बहुत उनका मतलब एक होता है ना, एक इंसान से इंसान को जोड़ने का, इंसान को इंसानियत से जोड़ने का एक मतलब स्टेप हमारे जयकी सर ने लिया और हम लोगों को भी मोटिवेट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी अंदर चलेंगे, देखते हैं। ये है हमारे जयकी सर। जयकी सर हेलो, हेलो एवरीवन। और ये हमारे इंदर सर, एज यूजुअल कैमरा वाले, आज थोड़े अलग गेटअप में आए हैं। ये आज पहली बार पैंट शर्ट पहन कर आए हैं, एकदम देख इनको दिखा लेते हैं। ये हमारे पहली बार पैंट शर्ट में इनको मैं शायद देख रहा हूँ, तो थोड़ा अलग ही दिख रहे हैं। चलो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकते क्योंकि लेट हो गया है, 5:30 तक ही मिलने का टाइम होता है और ये 6:30 हो रहा है हमारा। एक्चुअली हम लोगों को ट्रैफिक मिल गया, यहाँ आने का प्लान था 4:30 के आसपास और सामान खरीदने में और बिल बनाकर यहाँ तक आने में सब लेने में टाइम हो गया और ट्रैफिक इतना मिलता है और संडे के दिन तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक भी कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली खाली रहता है लेकिन ट्रैफिक मिल गया। तो एनीवे ये सारा सामान है जो कि हम लोगों ने लाया है देने के लिए, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें थोड़ा सा मिलने दें, भले 5-7 मिनट ही मिलने दें यहाँ रहने वाले लोगों से। तो वो गए हैं बाहर, गए हैं अंदर अपने सुपीरियर से बात करने के लिए, तो देखते हैं हमें परमिशन मिलता है कि नहीं, तब तक वेट करते हैं। क्या बोलते हैं जयकी सर? यस सर, काफ़ी कुछ सामान खरीद लिए हैं। राम या हिज नेम इज इंदर। थैंक यू सो मच, विश। सो हमें शायद थोड़ा देर के लिए बाहर से देखने का परमिशन मिला है, तो चल कर देख लेते हैं। सिस्टर साथ में है, चलो बंद किया, चलो का ये बंद किया, यहाँ पर बच्चे लोगों का है तो बंद हो गया है, तो बाहर से नहीं देख सकते, थोड़ा सा अंदर नहीं जाएंगे। All the people are Broadway police. Okay. Sorry? All the people are Broadway police.
All people have brought by police. Everyone. From footpath they have brought. So they are kids or they are people these like are adult. Adult. Okay. Adult. You want to see picture take rahe ho? अभी ये अंदर ये लोग पिक्चर देख रहे हैं. अंदर में ना बच्चा लोग का सब फोटो अलाव नहीं. You want to take photo, take outside, take the things what you brought. What are you doing? We have gym. Eh? Gym. Oh, gym. I have gym, yeah. And you? We all work together. I'm an instructor. But you are bodybuilding? Everyone. Bodybuilding? No, not bodybuilding. We basically teach yoga. Teach yoga? Yeah. Yoga, Zumba, dance. Freehand workout type of things. To keep people fit. You have a center. So, he motivated us. You have a center for? Yeah, we have center at Churchgate and Dada. Yoga? Yeah. Gym? Not gym, actually. That is yoga center, but other free and workout. Haan. Haan. So basically, हम लोगों ने उनसे request किया था एक जगह पर. उन्होंने हमें दिखाया. इन्होंने बताया, sister ने हमें बताया कि यहाँ पर जो footpath है, वहाँ से police इनको लेकर आती है और यहाँ पर admit करती है. बच्चे रहते हैं, बड़े होते हैं, बड़े लोग हैं. जो भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनका ही बेसिकली यहाँ पर रहने का रेसिडेंस है. उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं. उनको बहुत सारे चोट लगे रहते हैं. कोई किसी को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम रहता है तो किसी को इतने सारे घाव होते हैं शरीर में. किसी के कुछ ऑर्गन डिसेबल्ड होते हैं. तो इस टाइप के लोग यहाँ पर एडमिट होते हैं और ज़्यादातर लोगों को पुलिस लेकर आती है. और इन्होंने बताया कि 350 लोग यहाँ पर रहते हैं और उनके खाने पीने से लेकर मेडिकल फैसिलिटी से लेकर सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. और इन लोगों का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता. लोग जो देते हैं उसी के बेस पर ये चलता है. तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था. हमें अपने आप को महान दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए. यहाँ आने का हमारा एक ही पर्पज़ है कि यदि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोग थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से से कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो ये दुनिया कितनी खुशहाल हो सकती है. इन लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी बहुत मदद हो जाएगी. उनके लिए भी खुशियाँ आ जाएंगी. तो सिस्टर जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं ये सारे लोग चैरिटी ही करते हैं. उनको कोई सैलरी या कोई वेतन नहीं मिलता है. कुछ लोगों को मिलता भी होगा. सिस्टर ने बताया कि मोस्टली लोग फ्री में काम करते हैं, सर्विस देते हैं. तो ये इसको इंस्पायर करने के लिए हमारे जयकी सर ने हमसे बोला कि हाँ चलो हम लोग ऐसा करते हैं. यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है. नॉर्मली एक दो अनाथ आश्रम में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी कुछ हम लोग करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें ऑन कैमरा दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगता भी नहीं है. लेकिन फिर भी आज मन में आया कि इस वीडियो को देखकर यदि किसी के मन में थोड़ा भी दया भाव जगता है और कुछ करता है तो हमारा प्रयास जो है वो सफल होगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही. ये अंदर ऐसे रेसिडेंसेस बने हुए हैं. लोग अपना मूवी देख रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं. शाम का समय है और बच्चे जो हैं वो सो गए हैं. और इस साइड में भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं यदि इमरजेंसी होता है तो उनको लेकर जाने के लिए किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में. तो और काफ़ी शांत. ये बाहर निकलेंगे तो बहुत शोर शराबा है लेकिन ये अंदर आने के बाद बहुत शांति है. एकदम शांत माहौल है और काफ़ी अच्छे से साफ सफाई यहाँ पर रखा जाता है. और इनको जो सैनिटरी आइटम्स हैं उनकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिनाइल वगैरह के लिए, ड्रेसिंग के लिए, बैंडेज वगैरह के लिए और क्लीनिंग के. उनके जो क्लॉथ्स हैं उनको क्लीन करने के लिए वॉशिंग पाउडर वगैरह भी ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरह से जो भी हमें डेली नीड होती है वो सारी चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ती है. तो ये जयकी सर का प्रयास. थैंक यू जयकी सर. सो इस वीडियो में बस इतना ही. आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कोई भी परिस्थिति हो उसमें डटे रहिए. बाय बाय. इंदर सर बाय.